कौशाम्बी के महिलवा घाट में 6 अप्रैल से शुरू हो रहे रत्नावली महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। रत्नावली महोत्सव 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाले रत्नावली महोत्सव में राम कथा का कार्यक्रम चलेगा। राम कथा मशहूर कथावाचक मुरारी जी बापू करेंगे। इस कार्यक्रम के कई राज्यों सहित देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जिनके बैठने और कथा सुनने के लिए बड़े बड़े पंडाल का निर्माण पिछले कई दिनों से चल रहा है। पंडाल एवं कथा मंच को बनाने के लिए गुजरात और राजस्थान से आए हुए हैं। इस पंडाल में 50,000 से अधिक लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। रत्नावली महोत्सव कार्यक्रम को 200 से अधिक देशों में लाइव दिखाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में कथा सुनने आए लोगों के मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की गई है और भोजन की व्यवस्था वाले भी गुजरात से आए हुए हैं। राम कथा का आयोजन 6 से 14 का होने वाला है और ये संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से, नाथद्वारा की ओर से आयोजित हो रहा है और इसमें लाखों की तादाद में लोगों के आने की संभावना है। एक विशाल पंडाल बनाया गया है जिसमें करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और लाखों लोग पर डे भोजन कर सके, ऐसी व्यवस्था संस्थान की तरफ से की गई है।